जिन स्कूलों का सीबीएसई बोर्ड इंटरमीडिएट का रिजल्ट रुका हुआ था उनका रिजल्ट आज घोषित किया गया। नगर के जौहर पब्लिक स्कूल के स्पर्श जैन ने 98.4% अंक प्राप्त कर स्कूल टॉप किया। मेधावी छात्र छात्राओं को प्रधानाचार्य व शिक्षकों ने बधाई दी। इस अवसर पर मिठाई बांटी गई। जौहर स्कूल की प्रधानाचार्य रचना जौहर ने बताया कि स्कूल का परिणाम 100% रहा है। स्पर्श जैन ने 98.4% अंक हासिल कर स्कूल टॉप किया है। वहीं चिराग चौहान ने 97% अंक लेकर दूसरा स्थान, परम तोमर ने 96.2% अंक लेकर तीसरा स्थान व विवेक शर्मा ने 96% अंक लेकर चौथा स्थान प्राप्त किया है। मेधावी छात्र छात्राओं को प्रधानाचार्य व शिक्षकों ने बधाई दी और भविष्य में इससे बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया। बताया कि भले ही परीक्षा नहीं हुई लेकिन बच्चों ने कड़ी मेहनत की थी जिसका अच्छा नतीजा रहा। स्कूल में मेधावी बच्चों के अभिभावक भी आए हुए थे। इस अवसर पर स्कूल में मिठाई बांटी गई और बच्चों ने भी खुशी का इजहार किया। मेरा फर्स्ट बैच था क्लास 12th का, लगभग 21 बच्चे क्लास में थे, सभी का फर्स्ट क्लास आया है। और जो टॉप जिस बच्चे ने किया है वो स्पर्श जैन है, जिसका 98.4 हाईएस्ट रिजल्ट है। और अप्रॉक्सीमेटली आउट ऑफ 21, 11 गॉट अबाउट 90, दैट्स अ गुड रिजल्ट। और बाकी ब्लेसिंग्स हैं बच्चों के साथ, सभी बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है इस रिजल्ट में। एक्चुअली इसका रीज़न ये था कि हम लोगों के पास नेशनल मीन था चार स्कूल्स के पास कैलकुलेट करने के लिए, तो वी रिक्वेस्टेड द बोर्ड कि किसी भी तरह इन बच्चों का नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को रेस्ट्रिक्ट कर दिया था कि आप किसी भी बच्चे को अबाउट 95 नहीं दे सकते। तो इसीलिए 4 स्कूल्स ऐसे थे जो पहली बार एफिलिएट हुए हैं, इसलिए उनका रिजल्ट विथहेल्ड कर दिया गया था। और अब जब हमें एक मौका फिर मिला मॉडरेशन का, और हमें मौका जब मिला तो हमने उसका फ़ायदा भी उठाया, और उसका नतीजा ये हुआ कि एटलीस्ट हमें 1.5% फालतू मिला अपने बच्चों को करने के लिए, तो शायद अब किसी बच्चे का कोई नुकसान नहीं है। और कोई बच्चा सफ़र नहीं कर रहा था, टॉपर सफ़र कर रहे थे, क्योंकि हमें बाउंड कर दिया गया था कि हम 95% से ऊपर नहीं जा सकते। तो दैट वॉज ए लॉस, एक अच्छा जेस्चर था बोर्ड का, बोर्ड ने हमें हेल्प किया और इससे बच्चों का फ़ायदा।